बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे मुझे 50,000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। एंड अभी मेरा जो एसएल है वो बेसिकली यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे ऊपर कर देना चाहूँगा। सही जगह पे हमने एंट्री लिया था, सही प्रेडिक्शन थे, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे हमने एंट्री लिया था। हेलो फ्रेंड्स, ऑप्शन बाइंग सीरीज की डे नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज का डेट है मंडे 15 जुलाई एंड टाइम 9:21 हो चुका है। चलिए यहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम 2 ट्रेड्स इनिशिएट करते हैं 1:3 रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ। 3 लाख कैपिटल से हम स्टार्ट किया था एंड अभी देखें हमारा जो बैलेंस हो चुका है 3,88,000। ओके, अभी अगर एनालिसिस करने की कोशिश करें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप क्लियरली देख सकते हो दिस इज क्रूशियल सपोर्ट, राइट। ये जो सेंट्रल पिवोट है, सीपीआर कह सकते हो, प्रीवियस डे भी सीपीआर, मार्जिन सीपीआर, तो इस लेवल को एक बार भी ब्रीच नहीं किया था, तो आज के दिन इस लेवल के अगर ऊपर है तो हमको हर रिट्रेस में लॉन्ग करना चाहिए। यहाँ पे जो रिट्रेस मिल रहा है ना, मार्केट स्लाइडली गैप अप ओपन हुआ, फिर होने के बाद ये जो लास्ट 2 दिन की बॉडी है, ये जो कैंडल है ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड दिस इज ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। मतलब मार्केट में बहुत सारे मूवमेंट हुआ लेकिन क्लोजिंग बिल्कुल सेम प्राइस में आके हुआ है, पॉज ले रहा है मार्केट, तो इस लेवल के अगर ऊपर है, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर है तो हम लॉन्ग जा सकते हैं, और इसका अगर नीचे है तो हम बीआरएस अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग जाना प्रेफर करूँगा अभी मार्केट की स्थिति को देखते हुए। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है कि अभी तक इस लेवल के ऊपर है और मार्केट देखिए नीचे से भी सपोर्ट मिल रहा है। थोड़ा यहाँ पे मिल सकता था बट एनालिसिस के दौरान थोड़ा लेट हो चुका हूँ। अभी हम यहाँ पे ऑप्शन चेन में जाके एक कॉल ऑप्शंस को यहाँ पे इन द मनी वाला इसको मैं सेट करता हूँ। चार्ट को ओपन करते हैं एंड प्लेस इट, प्लेस द ऑर्डर। ओके, हो चुका है परचेस्ट, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। एंड अब मैं स्टॉप लॉस प्लेस करने जा रहा हूँ। स्टॉप लॉस शुड बी, ये जो स्विंग लो लगाया यहाँ तक रहेगा सेल एंड उसके 3 टाइम्स रहेगा टारगेट 392। सो ओपनिंग कैंडल अगर देखे, देखिए ये बिल्कुल मोमेंटम है नहीं, और मंडे के दिन ज़्यादातर मैं लॉस करता हूँ मैंने देखा, क्योंकि मोमेंटम मिलते नहीं है मोस्टली। तो एक कैंडल देखिए, मार्केट स्लाइडली गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये देखिए एक डोजी जैसा कैंडल की फॉर्मेशन हो रहा है, तो मोमेंटम अगर ना मिले इस ट्रेड को भी काटना पड़ेगा या स्टॉप लॉस को मैं छोटा कर दूंगा। रिस्क लिमिट करना ये अच्छी बात होता है, आप इसको हमेशा अपनाने की कोशिश कीजिए। बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे मुझे 50,000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। एंड अभी मेरा जो एसएल है वो बेसिकली यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे ऊपर कर देना चाहूँगा। ये देख सकते हो अभी भी 48,000 के ऊपर मुझे प्रॉफिट हो रहा है। सही जगह पे हमने एंट्री लिया था, सही प्रेडिक्शन थे, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे हमने एंट्री लिया था। बट दिस इज सेंट्रल पिवोट एंड मूविंग एवरेज को भी टेस्ट कर रहा है, एक छोटा सा हर्डल हो सकता है। अगर इसको ब्रिज कर दे तो यहाँ तक 650 तक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो लेट्स सी। ये गाइस ये देखिए, यहाँ से 65,000 प्रॉफिट चल रहा था, अभी ट्रेल एसएल हिट करने वाले हैं। जब हम बड़ा टारगेट के लिए इंतजार करते तो इस तरह की चीज़ें होते रहते हैं। अगर आके यहाँ पे एसएल को हिट करे तो बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम को हमने कैप्चर किया था। बट हम प्रॉपर डिसिप्लिन वैसे इनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। आज है मंडे तो उतना मोमेंटम मिल नहीं रहा है, ओनली 13,000 प्रॉफिट रह गया है यहाँ पे। का प्रॉफिट गायब एंड ओनली 4,000 हमने बुक कर पाया। बहुत ही बढ़िया मूव दिया था, क्वांटिटी भी ज़्यादा थे, बट लॉस को हमने पहले लिमिट कर दिए थे, सेल को ट्रेल कर दिए थे। इट्स ओके, अभी हम सेकेंड ट्रेड इनिशिएट करेंगे, लेकिन उनके लिए थोड़ा इंतजार करना है। जैसे कि आपको पता है कि इस सीरीज़ में हम ओनली 2 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी देखो इसने 445 लो लगा के अभी 480 के आसपास आ गया है। अभी हम थोड़ा इंतजार करते हैं एंड देन सेकेंड ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। चलो इसमें सेकेंड ट्रेड भी इनिशिएट करूँगा एंड इस टाइम हम निफ्टी की ओर चलेंगे, निफ्टी, क्योंकि निफ्टी ज़्यादा बुलिश है। अगर हम यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो किस तरह की मूव दे चुका है पास्ट ट्रेडिंग डेज में, तो अगर हमको इस पॉइंट पे मिल रहा है तो निफ्टी में ज़्यादा मैं बुलिश प्ले करना चाहूँगा बैंक निफ्टी की जगह।
थोड़ा सा लेट हो गया, अदरवाइज यहाँ पे भी बढ़िया प्रॉफिट हो सकता था। ये देखिए 5000 प्रॉफिट चल रहा है इसमें भी। ओके गाइस, मैं कुछ क्वांटिटी उसको और ऐड करूँगा, अगर ये नीचे मिले देन हम स्टॉप लॉस को प्लेस करेंगे। थोड़ा सा मैं इंतजार करता हूँ एंड देन कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करूँगा। मेरा यहाँ पे जो व्यू है वो बुलिश है। ये देखिए टाइम फ्रेम में आप क्लियरली देख सकते हो किस तरह की कैंडल बन रहा है। तो अगर मुझे लॉन्ग प्ले करना है, निफ्टी में प्ले करना चाहिए, और प्रीवियस डे कैंडल भी देखिए अच्छा खासा क्लोजिंग दिया था एंड और आज के दिन गैप अप ओपन हो एंड ऊपर में ही सस्टेन कर रहा है। ओके, फाइनल क्वांटिटी मैं यहाँ पे ले चुका हूँ। अब करते हैं सेल्फ लिस्ट 228 यहाँ पे। ये एक बड़ा एसएल है, इसको मैं थोड़ा सा ट्रेल कर दूंगा। सो अभी देखिए मैं एसएल को यहाँ पे ट्रेल कर देता हूँ कि ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना है। थोड़ा सा 3-4 पॉइंट मैं यहाँ पे ट्रेल कर दिया एंड उनके हिसाब से 3 टाइम्स टारगेट आ रहा है लाइक किया। ओके, ये देखिए मार्केट यहाँ पे 12,000 के आसपास प्रॉफिट दे रहा था बट अभी अगर देखें तो 10,000 माइनस में आ चुका है। आज के दिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ओवरऑल पीएनएल देखिए 5,000 नेगेटिव एंड इट्स ओके, ये हमारा लास्ट ट्रेड है। अगर हिट हो जाते हैं तो हम सेशन को करेंगे रैप अप। एवरीडे प्रॉफिट बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, राइट? सो देखते हैं, आज के दिन वैसे थोड़ा मोमेंटम मिल भी नहीं रहा है। लॉस को लिमिट रखो, अगर हिट कर जाए एग्जिट कर जाओ, कोई इशू नहीं है बट बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। ओके, पहला ट्रेड से कितना अच्छा प्रॉफिट था 65,000, उनको भी हमने लूज़ कर दिया क्योंकि मार्केट जिस तरह बिहेव कर रहा है मोमेंटम है नहीं। ऑप्शन बायर इस तरह की मार्केट में प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ज़्यादा ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लॉस लो एंड एग्जिट हो जाओ मार्केट। कभी भी हिट कर सकते, 6 पॉइंट का ये सेल अभी बचा हुआ है, अबाउट टू हिट। ओके गाइस, हिट कर दिए हैं, 22,000 लॉस हमने बुक किए एंड प्रीवियस ट्रेड से 4,000 प्रॉफिट था। अभी टाइम 10:18 एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ये जो ट्रेड है, ये अगर एसएल हिट ना किया होता, यहाँ पे देखो छोटा सा एसएल ही रखा था मैंने एंड हिट अगर ना हुआ होता तो अभी हम प्रॉफिट में होते। कुछ भी कर लो, आज के दिन की दोनों ट्रेड की बात करें तो सही जगह पर एंट्री लिया गया था, एग्जीक्यूशन भी सही थे बट फिर भी लॉस बुक करना पड़ा। लॉस को एक्सेप्ट करना होगा। आज के दिन नहीं हुआ, इट्स ओके, कल भी हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके 2 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे, इट्स ओके। यहाँ पे मैंने इनिशियली जो एसएल रखा था ना 227 पे रखा था, उसके बाद थोड़ा सा ट्रेल कर दिया। अगर वहाँ पे होता तो अभी तक हम अच्छा खासा प्रॉफिट में हो सकते थे। अब इस सेशन के बाद हम स्कैल्पिंग करने की कोशिश करेंगे, अभी जिस तरह की मोमेंटम मिल रहा है अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। सो इट्स ओके, कुछ भी क्वेरीज है फिल फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको अकाउंट ओपन करना है चरोधा में, अगर आपका एज बिलो 25 है तो विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट बिल्कुल फ्री में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड आफ्टर अकाउंट ओपन ये जो कोर्सेस है, ये दोनों कोर्सेस आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर।